दोनों का नाम लेने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं पहली बार मिली हूँ, मैं सेकंड टाइम मिली हूँ प्रिश से। सो प्रिश अपना नाम बताओ पहले। प्रिश प्रीतम से। वैसे इनको टीशू के नाम में जिस प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने नाम बता दिया प्रिश। आप अपना बताओ। मेरा नाम है यशस्वी सिंह। हाँ, और मुझे इनका नाम भी लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने इनका नाम, इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको क्या बोलूँ, यश। यस, तो मैं इजी इजी नाम ले लिए है ना, अडॉप्ट कर लिए। सो मैं अब यश बोल के जाते हैं। यश और प्रीति मेरे पास है। अब सही बोल दिया मैंने आपका नाम। हाँ, हिडन टैलेंट है। और आपको मेरा हिडन टैलेंट है हमें, मुझे सबसे पसंद है कलरिंग। कलरिंग आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये भी बताओ। फर्स्ट डे फिर मैं क्लास मॉनिटर था। 10 मई से मेरी समर की छुट्टी है। 3 जुलाई को मेरी स्कूल खुलेगी और हमारे स्कूल में असेंबली भी होती है। म्यूजिक भी, म्यूजिक क्लास, आर्ट क्लास, डांस क्लास, उनका फिक्स होता है। असेंबली में भी म्यूजिक, मंडे को म्यूजिक, ट्यूजडे को डांस। आपको घर में छुट्टियों में क्या करना पसंद है ये बताओ सबको। मस्ती और लेट से उठना। कितने लेट से उठते हो? कितने भी बजे। फिर भी लास्ट टाइम मैं तो कितने भी बजे रात को कितने बजे भी सो जाऊं उतना वो लेट छुट्टियों में। अच्छा, छुट्टियों में रात को लेट नाइट सोने के लिए कोई फोर्स नहीं करता? नहीं, गुड नाइट कहते हैं। और सुबह फिर उठते कितने बजे हो? उठते कितने भी बजे। अभी तो नहीं नींद आ रही ना? अब हम लोग टेस्ट करते हैं इन दोनों में से कौन ज्यादा स्मार्ट है। अरे ये जशी ने बनाया है। हम दोनों ने वाओ, ये है टैलेंट। छुट्टियों में बच्चे ये करते हैं। ये क्ले से बना है और ये जश्मी ने बनाया। जशी आईज भी मैंने बनाई। ये आईज भी बनाई है। ये कुछ ज्यादा बड़ी आईज नहीं हो गई है? ये मुझे लग रही है इसने प्रिशु की आईज निकाल के डाल दी है इसमें। नाइस, वेरी नाइस यशी। और मैं क्या करूंगा अगर यशी फेमस हो गई तो तुम क्या करोगे? यशी ये है गाइस, अगर और प्रिशु को ये डर है कि अगर ये फेमस हो गई तो मैं क्या करूंगी। अब तुम बताओ क्या करोगे। मैं आपको बुलाऊंगा, बनाऊंगा आपका, फिर मैं भी फेमस हो जाऊंगा। अरे तुमने आज बाल क्यों बांधे? लोगों को दिखाओ ना हमने सेम हेयर स्टाइल किया, तुमने क्यों बांधे? पहले तो मेरी वीडियो चलेगी फिर बाद में आपकी। अरे दोनों एक साथ ब्लॉग बना लेते हैं ना। यस, मिल के ना। हाँ, मिल के बना लेते, दोनों एक ही ब्लॉग में हो जाएंगे। तुम लोगों को सबको बता दो मेरा और प्रियशु का हेयर स्टाइल सेम है बट इसने आज बाल बांध दिए है। प्रियशु, मैं भी इसकी तरह छोटी कर सकती हूँ क्या? अभी बना लो। नहीं, फिर मैं तुम्हारी जगह लगूंगी यहाँ की। ओके, ये दोनों पंजा लड़ा रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है। चलो ऐसे करो, पहले दो ऐसे करो। ओ माय, यस, नीचे एल्बो रखनी होती है। एल्बो को टच करो बेटा पैर से। ओके, हां ओके, नीचे रखना, चीटिंग मत करना। हां ठीक है, चलो नीचे। कम ऑन, फिर से दादी। बड़ा इजीली, बड़ा इजीली जीत गया तू। प्रियांशु, प्रियांशु, तुमने की है चीटिंग? एल्बो नीचे रखनी होती है। क्या मेरी एल्बो होती है? नहीं, नीचे से टच करके ऐसे टच करना पड़ता है। ऐसे टच करना पड़ता है वापस से। चीटिंग नहीं कर रही है लड़कियों की। ओके, ये देखो फिर से आपने अपनी एल्बो उठाई। क्या कुछ से उठ जाती है? हाँ, तो यही रूल फॉलो करने रखो, अपनी दूसरा हैंड उस एल्बो पे रखो, ध्यान रखो। यस, ऐसे एकदम। हाँ, एल्बो देखो, वो भी हटा रही है। देखो मैंने भी नहीं, ये उठ गई फिर से। ये बच्चा है विदाउट हड्डियां, इसके अंदर बोन बून नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा कुछ करो यार, इंटरेस्टिंग तो कर दो। क्या कर लेंगे, मैं तो जीता हूँ कम से कम। आज से खेलते दोनों अपना अपना डांस करके दिखा दो कि ये दोनों डांसर है। ये फोन निकाल के, ये बच्चे भाई बहुत टैलेंट है, इनको डांस भी आता है, सब आता है। हम दोनों को, हाँ
शेर खुल गए ठीक है लव यू मैच जो तुम लाल हो जाओगे शेर पहले दोनों बच्चों का कॉम्पिटिशन देखते हो कॉल अच्छा करे शेर खुल गए ठीक है ओके कॉल अच्छा करे शेर खुल गए ठीक है ओके और जो जीतेगा हमारे डीजे लगाएगा हमारा डीजे है ऑफ शेर खुल गए आज लग आज डन चलो ओके चलो बच्चे पूरा दिन तबाही कर सकते हैं और इनकी अभी वोकेशंस चल रही हैं स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं सो घर में आप कैसे बच्चों के साथ मस्ती कर सकते हैं आज मैं आपको सिर्फ वही सिखा रही हूँ आपको ये सिखा सकते हैं क्या आप उसको बस कर डांस क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं बहुत सारी अच्छा कुछ बताओ हिंदी में बताओ कुछ तुम लोगों की हिंदी चेक की जाती है हिंदी पिरामिड की चीफ के पास थी 2000 काम वाले और जब उसकी चीफ की डेथ हुई जब माँ और गीजा के पिरामिड की ऊपर टॉप का टॉप गायब है कोई भी ढूंढ नहीं सकता उसको कोई भी नहीं ढूंढ सकता ये तो बता दो क्या बता रहे क्या बताओ उनको पता ही ना पिरामिड स्टोरी का पिरामिड इजिप्ट में होते हैं गीजा का पिरामिड बहुत साल पुराना है बहुत साल पहले बना हुआ है अब यशी बोलने वाली है अब यशी मॉनिटर कर दीजिए हिंदी में आपकी हिंदी चेक हो रही है ठीक है चलो मेरी एक फ्रेंड है लक्षिता वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है गोलू मोलू सी है और रिशु की तरह रिशु गोलू मोलू शर्मा है वो शर्माता बहुत है अच्छा रिशु के बारे में बातें बताओ जो अभी तक आपने नोटिस किए क्या करता है रिशु शर्माता बहुत है गुस्सा जल्दी होता है और बहुत जल्दी रो जाता है और बिल्कुल नहीं हाँ नहीं नहीं ओके 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 पांच चीजें तुम लोगों को अच्छी भी बतानी है और बुरी भी बतानी है एक दूसरे के बारे में तुम लोग दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो ना सो ठीक है अब वन बाय वन पहले आपसे स्टार्ट करते हैं आपको प्रियांशु की पांच अच्छी चीजें प्रियांशु की सी गाइस मैंने क्या बोला था आपको चलो बताओ पांच चीजें अच्छी पहले प्रियांशु बहुत अच्छा है और वो ऐसे बोलता है कि आप मेरे घर पे खेलने आ जाओ और वो सब कुछ खाता है और बहुत अच्छा है वो बहुत गुड बॉय है तुझे गुड गर्ल देखा लॉन्ग हेयर करने से आपको गुड गर्ल कोई भी अपनी
मर्जी से बाल बढ़ा सकता है, ये पहले बता देता हूँ। यस, आजकल सब कुछ चॉइस पे है, राइट? यस। अब तुम पांच चीजें बताओ। ये सी बात अच्छी है, मुझे हर चीज में करेक्ट करती है, लेकिन लेकिन खान लेकिन ये खाल खाल एक दिन दीदी निकी ने हम दोनों के लिए काटा वाटरमेलन, वाटरमेलन यशी ने पूरा नहीं खाया, तो दीदी निकी ने बड़े पीस का यशी ने छोटे, तो यशी ऐसे खाती रही है पूरा, उसको बस किसी की हेल्प चाहिए होती है। ये पांच चीजें अच्छी नहीं थी, कुछ अच्छी चीजें बताओ पांच। यशु आप कुछ अच्छी चीजें नहीं ढूंढ पा रही हो क्या? अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में पांच चीजें। अब गुड थिंग्स बताओ, देखते हैं। यशी मेरे साथ अच्छे से खेलती है, बहुत अच्छी है। टू बॉडी थिंग बताओ, पिटाई होगी यशी, पिटाई करेगी आपकी कि आप यशी के बारे में? जब भी मैं यशी के बारे में मानता हूँ मारती है मैं। अच्छी अच्छी लड़के कभी भी अच्छी चीजें चलो जल्दी से दो ही बताइए। थ्री मोर और मैं एक साथ खेलते अच्छी चीज है क्या? हाँ कंसिडर कर रहे हैं। टू मोर चलो टू मोर उसके लिए 2 लाख के बराबर है लग रहा है। बस नंबर मतलब कि मंथ सेम है, एज सेम है, बस हाइट में छूटे। ये अच्छी चीज है नहीं? हेलो क्ले से बनाया हमने टर्टल। अच्छी यशी के बारे में अच्छी बात है। और लास्ट इसमें ये गेम थी जिसमें ये हमारे क्या नाम बोलूं प्रियांशु प्रीशु हार गया है और हमारी बंदी जीत गई है। ये अब आप दोनों को एक दूसरे के बारे में बतानी है पांच बुरी चीजें, और आई होप कि तुम अब बुरी चीजों तो एक दूसरे के बारे में बता सको। चलो अब तुमसे स्टार्ट करते हैं, आप विनर थे ना। चलो प्रीशु बहुत जल्दी जल्दी है ना उदास हो जाता है अगर मैं उसको कुछ सिखाऊं। बिल्कुल नहीं यशी। ओके वन सेकंड। और ना बिल्कुल उन्हों में ना हार जाता है तो वो गुस्सा हो जाता है। नहीं हाँ हाँ ये सही सही है। लूडो में भी हार जाता है तो गुस्सा हो जाता है। आखिरी और जब वो कुछ खाने का मन करता है ना उसको तो ना अगर कुछ भी घर में पड़ा होता है ना मतलब मेरे तो ना प्रिशु कहता है फल फ्रूट दे दो। ओके वन मोर ये बुरी चीज नहीं अच्छी चीज है। बुरी चीजें वन मोर। और प्रीशु बहुत बहुत जलती है ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कभी मुझे मारने लगता है। ऐसे आगे बढ़ो तो इसी और मैं जब बैड मूड में होता हूँ इसी को पता और जब पता है इसी मुझे जबरदस्ती उनके रूल्स नहीं बता दी ताकि हमेशा जीते। ये तो फनी की बात है। फनी नहीं है ये सैड की नहीं है सैड की है। ओके यशी ने पांच तुम्हारे लिए बुरी चीजें बता दी हैं जो तुम्हारे अंदर बैड हैबिट्स हैं। अब आप बताओ इसके बारे में। चलो यशी हमेशा जीतनी चाहती है इसीलिए वो मुझे रूल्स नहीं बताती है। ओके और लूडो ये चीटिंग नेक्स्ट चीटिंग लूडो में आपने एग्री किया था कि हाँ ठीक है मैं हार जाता हूँ तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ तो ये बात तो अलग अलग होगी। कॉन्क्रीट वाली बात होगी। यस सेकंड यशी हमेशा जीत हर चीज में जीतनी चाहती है ताकि वो रूल्स और ये रूल छुपा के रखती है। आगे बढ़ो इस सेक्टर में आगे बढ़ो कि तो मेकअप किट वाला गेम खेलता हूं। हां मेकअप किट वाले गेम में मैं गिरा रहा तो मुझ पे गुस्सा कर रही है बैड हैबिट। ओके बैड हैबिट फॉर ये भी करता है गुस्सा जब ये गिरा देता है तो मुझे भी गुस्सा आता है ये भी करता है बैड। ओके टू मोर हम दोनों फ्रेंड्स हैं
टू मोर, तो थर्ड के बाद अटेंड जाते हैं हमेशा। तुमसे ना बात खत्म हो गई, नहीं हो सकता। ठीक है, हमारी विनर, हमारी विनर। ये दीदी के बारे में क्या है कि हमने आने के जैसे दीदी आई वैसे ही हमने चॉकलेट दे दिया, वापस मांग दिए। ये दीदी के बैड हैबिट है, इसको इस चैनल को याद रखना। आ निकल जाएगा। गाइस, मैं इनके लिए चॉकलेट्स लेके आई थी और मैंने आधी दे दी। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि नहीं, अभी नहीं देनी चाहिए थी, इनसे थोड़े से टास्क करवाने चाहिए थे और फिर अगर ये जीतते तब देना चाहिए था। हाँ, लेकिन दिस इज नॉट अ बैड थिंग, दिस इज नो, दिस इज। और प्रियांशु एक बिल्कुल ही प्रीशु, प्रीशु हार गया है बैड और गुड थिंग्स में। इन दोनों बच्चों में से सबसे ज्यादा प्रीशु बोलता है, लेकिन इंटेलिजेंट हमारी ये बच्ची है। प्रीशु इज करती है, और कभी मेरे लग जाती है ना तो मम्मा भाग के आती है और मुझे साइकिल चलाने, खुद को मतलब साइकिल चलाने के लिए आती है नीचे, और मेरे लिए चॉकलेट खिलाती है और मुझसे हग करती है और किसी करती है। अरे वाह, सेम यशी। मेरी मम्मी भी प्यार करती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, इतने में शेफ है वो, हम एक सीखते और वो ऐसे भी। और फिर जब मैं जो मैं चीज नहीं कर सकता वो उसमें ही बोलती है कोशिश। मैंने बोला कि मुझे कमल समेटने नहीं आ रही है आज, बोला फिर मेरी मम्मी ने बोला कि कोशिश करो। चौथी चीज कि मेरी मेरी मीमी जो भी गेस्ट आते उनके लिए पानी देती है, सब गेस्ट के लिए। फिर वो मुझे किसी मैं मदद दे दी, मैंने उनको कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। अरे तुमसे ना हो पाया फिनिश, कॉपी पेस्ट। और फिफ्थ है कि मैंने उनको मदद दे दी, कार्ड दिया। ओके, तो ये शी बाय। कुछ भी एक चीज भी कोई कंप्लीट नहीं किया, सिर्फ कॉपी पेस्ट किया इसको। कलिंग बस, इसके सिवाय कोई पांच टैलेंट अपने बताओ। पांच टैलेंट, कलरिंग, ओके, क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, ओके, तीन हो गए, टू मोर। क्या क्या बताया इसने? और खाना बनाती है, और इसमें फोर, वन मोर। और आई होप कि तुम ये कंप्लीट कर लो। और डांस में, डांस, यस, इसमें डांस में कर रही थी यशवी की मम्मी, कर रही थी और ये हंस रहे थे। इसमें क्या बड़ी बात है मम्मा, क्या हुआ? अब देखते हैं, स्ट्रेट हो गए, इतने जल्दी? अभी मम्मी भी हंस रहे थे ना, हंसी आ रही थी दोनों को बहुत। क्या हुआ करके बताओ? नीचे 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 नहीं हुआ ना, बस अभी मम्मी कर रहे थे तो बड़ा हंस रहे थे। लोग हिडन है ना, हिडन टैलेंट। चलो स्टार्ट हो जाओ, क्या करने वाले हो? देखते कितनी देर तक कौन कर पाता है। ठीक है, आप चीटिंग कर रहे हो, आप चीटिंग कर रहे हो। यश ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, वेरी गुड। कितनी देर देखते कौन पहले गिव अप करता है, जो पहले गिर जाएगा वो हार जाएगा। सो इससे बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी का पता लगता है गाइस। हाँ,
जो पहले हारेगा पहले गिर जाएगा वो हार जाएगा। अब प्रियांशी ने बहुत चीटिंग किया, चलो ठीक है ओके, नहीं कंसिडर कर रही मैं चीटिंग में इसको, ऐसे ही रहना। हार गए तुम, हार गए तुम। यश यश आप जीत गए, आ जाओ। ये लड़का हार गया, ये लड़का हार हिरन गया पानी में, पकड़ा उसकी नानी ने, नानी गई लंदन, वहां से लाए कंगन, कंगन गए तू, नानी को मनाएंगे, नानी को मनाएंगे, रस मलाई खाएंगे, रस मलाई अच्छी हमने खाई, मच्छी मच्छी से निकला कांटा, नानी ने मारा चांटा। और कुछ, चलो आगे कुछ। टॉम एंड जेरी, ओके चलो 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 प्यासी यहाँ आ जाओ, चलो ये कोई नए गेम है गाइस, मुझे अभी 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 पता लगा। ओके हम लोग क्या खा रहे हैं, हम खा रहे स्नैक्स टाइम। हम लोगों ने थोड़ा ब्रेक लिया है, बहुत सारा डांस और गेम्स खेलने के बाद बहुत सारी मस्ती करने के बाद, एक घंटा हो गया हम लोग मस्ती करते हुए। साइड में इनकी मम्मियाँ बैठी गॉसिप कर रही हैं और हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। यश कुछ बता दो प्लीज, मैं अभी क्या करने वाले हो छुट्टियों में तुम? मुझसे पूछा है ना। हाँ चलो वन बाय वन, पहले आप बताओ क्या करने वाली हो? मैं तो मध्य से लेकर कितने हमेशा 11 बजे रात को 11 बजे सोती हूँ। 11 बजे नहीं, 11 o'clock रात में सोती हूँ। और मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाते हो? 10 घंटे की नींद, नहीं पता 10 घंटे की नींद लेके, लेकिन आपको पता है ना 8 घंटे की नींद बहुत होती है, 8 घंटे की नींद बहुत होती है। लेकिन जो 6 साल के बच्चे होते हैं ना उनको 10 घंटे की, तो प्रीशु 6 साल का है इसलिए उसको 10 घंटे की नींद चाहिए। और आप कितने घंटे सोते हो? 6। वो 6 पूरे पूरा बाजार सोता हूँ। आपको मैंने इसलिए पहचान लिया था क्योंकि निक्की दीदी ने बता दिया था, तो चीटिंग हो गई ना। इंडिया इंडिया ये रहा। यस वेरी गुड बेटा, ये बड़ा लोग अपने घर, ये है इंडिया, छोटे वाले से दिख जाता है, दिख जाता है, लेकिन बेटा उस पे छोटे से छोटा छोटा दिख रहा है, ये बड़ा है थोड़ा। आप दीदी कलरफुल ड्रेस क्यों पहनी है? मैंगो खाना था आपको, रेनबो बनना था, लेकिन रेनबो में तो बहुत सारे कलर्स होते हैं, इसमें कितने कलर्स हैं आपको पता है आपकी ड्रेस में? 4। और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7। रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वायलेट, ये दोनों है आपके। ओके अरे ये भी आप यशी को दे सकते हो ना बाबू, पहले यशी से थैंक यू। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। तुम दोनों में से देखते हैं पहले कौन फिनिश करता है, ठीक है? आप ही जीतोगे मुझे लग रहा है। दोनों फिनिश कर देंगे तो दोनों विनर्स। वाह फिनिश कर अभी खेल दो।
ये ऋषि ने तो खत्म कर दिया। मैं तो चैंपियन हूँ। चैंपियन हो ना। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, यूरोप, फाइनली ऑस्ट्रेलिया, देयर एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, फाइनली ऑस्ट्रेलिया। Fruits are good for health because them we cut them, we eat them, we grow them in kacha like apple, mango, orange, pomegranate, papaya, banana, guava, pineapple, grape, dragon fruit. Sun is star of our solar system and satellite Mercury. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune और five oceans है. वैसे एक गाना बना है ऐसे, सात समुंदर पीछे पीछे आ गई. ये तो चीटिंग करने गए हो तुम. अंटार्कटिका में तो स्नो होती है, वहाँ पे तो कूल अप है और सी इतने ठंडे पानी में नहीं चल चलेंगे, देखिए क्या करेंगे. यस और तो हाँ लाइफ और ओशन फाइव होते हैं लेकिन सात समुद्र गर्दन पर गिर हाँ सात मेरे को कृष्ण सब हाँ क्ले लेकर जाओ अब कुछ बना के चलो चलो आप उधर देखो आप ना मुझे पता है तुम अटक चुके हो इसी हाँ अटक चुके हो देखो इसे देख के आपको याद आ जाएगा ना अटलांटिक का ओशन साउथ नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक का ओशन साउथ अटलांटिक का ओशन नॉर्थ पैसिफिक ओशन साउथ पैसिफिक ओशन और अंटार्कटिका ओशन और आर्कटिक ओशन ये होते सिक्स. वैसे काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स टोटल सिक्स है लेकिन सात समुद्र में एक एक समुद्र और ऐड कर दिया सात समुद्र पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई. आपने खाया है ना? आपने लंच किया? उसको देखो उसको जाने दो कहाँ जाने दो स्नैप 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 कुछ करने वाली है. इसी इधर आओ. ये सी
गुड नाइट एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड ऑफ द वीडियो.